नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज अब बाकी नहीं रही है। उत्तर प्रदेश में जब भी अपराध होता है तो सवाल कानून व्यवस्था के ऊपर उठाने की बजाय सवाल उठाए जाते हैं पीड़ितों के ऊपर कि आखिरकार पीड़ित ने ऐसा क्यों किया। पीड़ित ने जो है वो ठीक से अगर काम किया होता तो फिर उसके साथ में ये काम नहीं होता। ये सवाल जो है वो बार बार उठाए जाते हैं। हमने आपको खबर दिखाई थी बदायूं कांड की। बदायूं में जिस तरह से कांड हुआ था उसके बाद में उत्तर प्रदेश की सरकार को सामने आकर के माफी मांगनी चाहिए थी, और जो लोग धर्म के ठेकेदार बनते हैं उन लोगों को सामने आकर के माफी मांगनी चाहिए थी कायदे से कि मंदिर के अंदर 50 साल की एक महिला के साथ में पुजारी गैंगरेप कर देता है, उसके ऊपर आरोप लगते हैं और उसके बाद में उसको मार करके निर्मम तरीके से हैवानियत करके दरिंदगी करके उसको उसके घर फेंकाता है। ये उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ। लेकिन इसके बाद में उत्तर प्रदेश के बदायूं में महिला आयोग की सदस्य है चंद्रमुखी, उनको बदायूं में भेजा जाता है ताकि वो वहां से रिपोर्ट कलेक्ट कर सके और रिपोर्ट ला करके सरकार को बताए कि आखिरकार कहां पर खामी हुई है। और महिला आयोग का काम यही है। लेकिन महिला आयोग, जिसको सेंसिटिव माना जाता है कि महिला आयोग जो है वो कम से कम महिलाओं के बारे में पहले सोचेगा, लेकिन महिला आयोग की जो सदस्य है चंद्रमुखी वो बदायूं पहुंच करके आरोपियों के साथ में खड़ी हो गई। ये एक नया ट्रेंड हम देख रहे हैं कि किस तरह से इस देश में अब पीड़ितों के साथ में कोई नहीं खड़ा होता है, कमजोरों के साथ में, मजलूमों के साथ में, गरीबों के साथ में सरकार खड़ी हुई नजर नहीं आती है। सरकार खड़ी होती है दंगाइयों के साथ में, आरोपियों के साथ में, और जो गुंडे होते हैं उनके साथ में, बलात्कारियों के साथ में। ये महिला आयोग की सदस्य है चंद्रमुखी और ये आरोपी के साथ में खड़ी हो गई और उन्होंने बयान दिया कि ऐसा नहीं होता। अगर वो महिला अपने घर से शाम को अगर नहीं गई होती, क्योंकि वो महिला जो है वो करीब 5 बजे मंदिर में गई थी और वहां उसके साथ में ये दरिंदगी हुई, उसके बाद में सारी बातें जो है वो वहां पर हुई। अब महिला आयोग की सदस्य है चंद्रमुखी, ये वहां पर पहुंचती है और वो कहती है कि अगर ये महिला वहां पर नहीं गई होती तो इसके साथ में ऐसा नहीं होता। कमाल खान है, एनडीटीवी के रिपोर्टर है कमाल खान, और इन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है, बदायूं रेप कांड की जांच करने पहुंची महिला आयोग की सदस्य चंद्रमुखी ने कहा कि अगर महिला बेवक्त घर से नहीं निकलती तो उसके साथ में यह नहीं होता। आप खुद से भी सुनिए कि किस तरह से महिला आयोग की सदस्य है और फिर भी आरोपियों के साथ खड़ी है, बलात्कारियों के साथ खड़ी है, और जो पीड़िता है उसको ही सवालों के कटघरे में खड़ी कर रही है। और साथ ही साथ देखिए कि जब ये महिला आयोग की सदस्य ये बात कह रही है तो इसके पीछे की तरफ एक पुलिस अधिकारी खड़ी है, महिला पुलिस अधिकारी है, और वो हां में सिर हिला रही है। ध्यान से देखिए कि कभी भी किसी के प्रभाव में महिला को समय असमय नहीं पहुंचना चाहिए। सोचती हूं कि अगर संध्या के समय में वो महिला नहीं चली गई होती या परिवार का कोई बच्चा साथ में होता तो शायद ऐसी घटना नहीं घटती। कि कभी भी किसी के प्रभाव में महिला को समय असमय नहीं पहुंचना चाहिए। सोचती हूँ कि अगर संध्या के समय में वो महिला नहीं चली गई होती या परिवार का कोई बच्चा साथ में होता तो शायद ऐसी घटना नहीं घटती। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का ये हाल है। बलात्कारियों के साथ में सरकार खड़ी है, किस तरह से महिला आयोग के सदस्य है वो बलात्कारियों के साथ खड़ी हो गई है, यह साफ तौर पर नजर आता है, और पीड़िता के ऊपर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं पर एक तस्वीर और दिखाते हैं हम आपको, बुलंदशहर की एक तस्वीर देखिए। किसानों का ट्रैक्टर मार्च था, किसान ट्रैक्टर लेकर के मार्च करने के लिए निकले थे, लेकिन बुलंदशहर में यही पुलिस, कानून व्यवस्था का सवाल वहां पर भी है और यहां पर भी है। कानून व्यवस्था बनाने के लिए किस तरह से गुंडों की भांति जो है ये पुलिस व्यवहार कर रही है, और गुंडों की भांति पुलिसकर्मी जो है वो कहते हैं कि मेरे ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा दीजिए, जैसे कोई गुंडा करता है वैसे। क्या प्रोटेस्ट करने का अधिकार इस देश में नहीं है? शांतिप्रिय ढंग से वो लोग रैली निकाल रहे थे, लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार है और वहां पर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। आप खुद देखिए, सब हट जाओ, आप सब साइड में भी न लगाने का हूँ, मैं भी साइड न लगाने का हूँ।
काम अगर आप ऐसे साहब अगर आप ऐसे आप अब आप एक काम करो अब आप बुला लो बड़े अधिकारियों को बुला लो बात खत्म करो। सोशल मीडिया पर एक वीडियो और वायरल हो रही है जहां पर किसान प्रोटेस्ट करने के लिए निकले थे, वहां पर एक किसान नेता है, क्षेत्रीय किसान नेता है, और उनको पुलिस के अधिकारी कह रहे हैं कि तुम अपना कंट्रोल में रहो, धमकी दे रहे हैं उसको, तुम कंट्रोल में रहो नहीं तो तुम्हारे घर का छज्जा तुड़वा देंगे। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, आप खुद देखिए। सबसे बड़ा सवाल यह है कि कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने की बजाय उत्तर प्रदेश में जिस तरह से लगातार अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं और इनको ढकने के लिए, इनको कवर करने के लिए अब पीड़ितों के ऊपर ही आरोप मढ़ा जा रहा है, और जिस तरह से महिला आयोग की सदस्य चंद्रमुखी ने कहा, आप देखिए कि एक ट्रेंड है बीजेपी के नेताओं को, एक ट्रेंड है वो बार बार महिलाओं के ऊपर सवाल उठाते हैं कि महिलाओं को छोटे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, रात को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, महिलाओं को जल्दी शादी कर देनी चाहिए उनकी, अगर लेट से शादी करेंगे तो फिर कुछ ना कुछ तो उनके साथ में होगा ही होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह सब कुछ वहीं पर हो रहा है जब कहा जाता है कि भारत मजबूत हाथों में है, यहां पर 56 इंच के मोदी जी की सरकार है और उत्तर प्रदेश में तो डबल इंजन की योगी आदित्यनाथ की भी सरकार है, लेकिन उसके बावजूद जो है इतना सब कुछ हो रहा है लेकिन सब ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली है, कहीं पर मीडिया में इन खबरों को कोई जगह नहीं दी जा रही है, कोई सवाल नहीं उठा रहा है, किस तरह से पुलिस अधिकारी और किसानों का खुलेआम कहता है कि तुम्हारा छज्जा तोड़ देंगे, और ये वही मीडिया है जो 2400 घंटे लगातार लाइव चलाती थी जब कंगना का एक जरा सा छज्जा तोड़ दिया गया था। आप सोचिए कि किस तरह से कंगना एक खास व्यक्ति है, सरकार की चहेती है, इसलिए सब कुछ जो उनके लिए होता है, लेकिन किसानों के लिए, बलात्कार पीड़ितों के लिए कभी कोई आगे नहीं आता है। इस खबर को आगे शेयर करिए, लोगों तक सच पहुंचाइए ताकि लोगों को पता चल सके कि सरकार में बैठे लोग अंदर से कितने मरे हुए हैं। इस खबर को लेकर के, इस वीडियो को लेकर के आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। उसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है, घंटी है, उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।